भाई साहब इसे कहते हैं मूवी। एक मूवी को कैसे दिखाना है, एक मूवी को कैसे बनाना है और एक मूवी को कैसे ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना है, कोई इनसे सीखे। तो शायद तुम्हें पता ही है रिसेंट टाइम में कोई अच्छी मूवी थिएटर में नहीं लगी है, तो मैंने OTT पर एक अच्छी मूवी के तलाश में निकल चुका और वहाँ पे मुझे मिला एक मलयालम मूवी जो कि एक महीने पहले ही थिएटर में लगी थी, लेकिन मूवी पैन इंडिया नहीं थी इसलिए हमारे यहाँ थिएटर में नहीं लगी। खैर थिएटर में तो एक्सपीरियंस नहीं कर सका, कोई बात नहीं, लेकिन OTT पर तो इस मूवी को देखना बनता है। तो कल मैंने पूरी रात बैठकर इस मूवी को देखा और लिटरली मूवी खत्म होने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, वाओ। तो मूवी का नाम क्या है, मूवी की स्टोरी कैसी है और क्या तुम्हें मूवी देखनी चाहिए, आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम है प्रेमालू। मूवी रिलीज हुई थी इसी साल फरवरी के टाइम पे और तुम लोग सोच सकते हो मूवी करीब करीब 2 महीनों तक थिएटर में लगी हुई थी। और लिटरली ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज है क्योंकि मूवी में जो स्टार कास्ट थी वो नहीं है और इन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा मूवीज भी नहीं बनाई है। इस बात का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि अपना लीड कैरेक्टर मतलब कि अपना जो लीड हीरो है मूवी में उसका एज सिर्फ 23 है और अपनी लीड एक्ट्रेस की 22। खैर मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो मूवी की स्टोरी एक लव स्टोरी पर बेस्ड है। अब तुम लोग बोल सकते हो कि भाई इसमें स्टोरी क्या यूनिक है, फालतू में वही लव स्टोरी है, रोमांटिक ड्रामा जो कि हमने थिएटर में अभी रिसेंट टाइम पे देखी, तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया। तो अगर तुम यही सब सोच रहे हो तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि भाई मैं बॉलीवुड की नहीं मलयालम मूवीज की बात कर रहा हूँ और वो लोग किस लेवल पर मूवीज बना सकते हैं तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। उनके पास इतना टैलेंट है कि एक लव स्टोरी वाली सिंपल मूवी को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि तुम अपने लीड कैरेक्टर को खुद ही फील करने लगोगे। तो स्टोरी में हमारे लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है सचिन, जिसने अपनी कॉलेज कम्प्लीट करने के बाद गेट्स की कोचिंग लेने के लिए चेन्नई आ गया और वहीं पे एक दिन अपना लीड कैरेक्टर अपने लीड एक्ट्रेस को देखता है और अपने भाई को प्यार हो जाता है, मतलब कि लव एट फर्स्ट साइट। तो अपना सचिन उस लड़की को पटाने के लिए क्या क्या करता है तुम्हें सब कुछ इस मूवी में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मतलब कि अपनी लीड एक्ट्रेस को अपना राजकुमार कैसा चाहिए उसने पहले से डिसाइड कर लिया था और अपने सचिन के साथ उस राजकुमार का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, जो जो इमोशनल सीन्स डाले गए थे, एक टाइम पे तो मुझे लगा था कि क्या ये मैं तो नहीं, अपने लीड एक्ट्रेस के द्वारा अपने लीड एक्टर को रिएक्शन वाला मोमेंट, फिर रिएक्शन के बाद दूसरे शहर में चले जाना वाला मोमेंट और मूवी का एंडिंग सच में बहुत ही इमोशनल था। वीडियो को एंड करने से पहले एक और शॉकिंग न्यूज बता देता हूँ और ये बस उनके लिए ही है जिनको अब तक लगता है कि ये मूवी बहुत ही एक सिंपल मूवी है। मूवी का बजट और मूवी का कलेक्शन, मूवी को सिर्फ 3 करोड़ में ही बनाया गया है, यहाँ पे मूवी ने वर्ल्ड वाइड 130 करोड़ का कलेक्शन किया। और अगर तुम्हें ये कलेक्शन अब भी कम लग रहा है तो ये सुनो, अब तक के 2024 की पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली मूवी यही है। और ये मूवी देखने के बाद मैं एक चीज तो गारंटी से कह सकता हूँ, मलयालम इंडस्ट्री रोमांटिक और लव स्टोरी वाली सिनेमा बनाने में बेस्ट है, क्योंकि मैंने इससे पहले इसी की तरह एक और सिनेमा एक साल पहले देखी थी जिसका नाम था हृदयम, और जिन्होंने शायद हृदयम को देखा है शायद वो मूवी तुम्हारे लिए फेवरेट हो सकती है और ये मूवी देखने के बाद शायद ये भी तुम्हारे फेवरेट लिस्ट में आ सकता है। खैर तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहो ट्रेडिशनल ह्यूमन। थैंक यू, नमस्कार।